पीला जल गंगा जी का, ये काला जल यमुना जी का। ये देखो ऐसे बटोर रही है ना, ये देखो पूरा मशीन में पानी पानी भर गया है, वो फूल ही फूल भर गया मशीन में। पूरी आरती कर ली हमने और बहुत अच्छा लगा, दिल बहुत खुश हो गया मेरा यहाँ पे। अब कहते तो अभी कुछ ऐसी हालत है हमारे घर की, पूरा फैला पड़ा आगे से पीछे तक। मेरे को आज ही इलाहाबाद निकलना है। तो यो मेरे जिगर के, चलो कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। मम्मी आप पैकिंग करो, मैं ये लो बैग लो मम्मी मेरा। तो हम निकल गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, हमारी ट्रेन है करीब 10:50 की और अभी हो रहे हैं 10। चलो ठीक है डैडी, बाय, मिलते हैं कल आ जाऊंगा। ओके, तो अभी हम आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और काफी भीड़ है भाई, काफी चमक रहा है, बहुत शाइन मार रहा है, काफी लाइटिंग कर रखी है यहाँ पे। आ जाओ चलते हैं चेकिंग वेकिंग करा के अंदर। तो ये है अपनी ट्रेन बनारस न्यू दिल्ली और यहाँ पे मतलब बहुत बढ़िया ग्राफिटी और ये वो कह सकते हो पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि प्रयागराज बनारस जाएगी तो उसी हिसाब से यहाँ पे लगाए हैं। तो अभी ये B5 है हमारा। मम्मी क्या है, फर्स्ट एसी में हमें टिकट नहीं मिली, थर्ड एसी मिली, तो थर्ड एसी से जा रहे हैं अपन, तो B3 में हमारा अभी यहाँ से चलेगी ये करीब 10:50 पे और सुबह 7:30 बजे प्रयागराज पहुँचा देगी। मम्मी इसका वॉशरूम देखते हैं कैसे ट्रेन का। हाँ ठीक है, काम चलाओ जैसे होता है राजधानी का। तो ये हमारा बर्थ है, तो ये खाली पड़ा अभी तो पूरा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जब भी ट्रेन चल बाय तो आजकल मैं देख रहा हूँ जब भी ट्रेन चलती है ना, तो जितने भी पुलिस वाले हैं सारे गेट के पास खड़े हुए हैं ताकि कोई भागते भागते ना चढ़े, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। पूरा ऑलमोस्ट खाली पड़ा है बट मास्क अभी कोई नहीं लगा रहा भाई। मास्क का रूल क्या खत्म हो गया क्या दोस्त? खत्म हो गया। तो ये सिक्योरिटी काफी अच्छी लगी मेरे को, तो चलते रिव्यू दूंगा आपको। तो मम्मी ये रही हमारी सीट, मम्मी की नीचे है, मेरी ऊपर है, तो मैंने स्पेशली दो वाली ली। एक्चुअली क्या जल्दी भागते भागते मैंने पॉपकॉर्न और ये लिए, उसने खुले पैसे दिए और ट्रेन चल पड़ी, मैं भागा, मेरे खुले पैसे गिर गए, 10 रुपए का नुकसान हो गया, स्टेशन पे गिर गए, 10 रुपए का नुकसान, शिट। अपन आ गए हैं प्रयागराज, कितने बजे? 7:30। मेरी हुई नहीं नींद पूरी। इलाहाबाद का स्टेशन है, नींद बहुत आ रही है, व्लॉगिंग नहीं करी जा रही। अपन उतर रहे हैं, सबसे पहले अपन जाएंगे संगम और संगम में स्नान वान करते हैं पहले। तो स्टेशन से कितनी दूर है संगम भाई? 9 किलोमीटर। अभी तो सारा सिटी बंद पड़ा है। 10 बजे खुलता है भाई, बहुत नीट एंड क्लीन सिटी है। तो यहाँ पे फेमस खाने के लिए क्या क्या मिलता है भाई? खाने के लिए क्या क्या फेमस मिलता है? अमरूद, बढ़िया सी समोसे की दुकान पे, बट यहाँ के समोसे देखो भाई, ये क्या चीज है यार? ये टिकिया है, भुजिया, टिकिया, आलू की टिकिया, अच्छा इसको टिकिया बोलते हैं। और इनका समोसा भी ऐसे गोल गोल है। हाँ दो ये डाल दो, 4 समोसे, हाँ दो ये, 10 रुपए की जलेबी दे दो गर्मा गर्म, जलेबी खा के मस्त हो जाएंगे हम। कौन सी जगह है? कहाँ पे? मेहराना। तो अभी चल रहा है खाना पीना, बट एक चीज़ मुझे लगे बहुत सस्ता शहर है, 10 रुपए में सब काम हो जाता है, समोसे ही 5-5 रुपए का, बहुत सस्ता भाई। मैं तो अभी एक स्टोर खोला था नेस्कैफे की, कोल्ड कॉफी लेके आया और समोसे ये सब चल रहा है नाश्ता। तो अभी हम जा रहे हैं संगम पे, यहाँ से हमें करनी पड़ेगी बोट। पानी ऊपर भी आता है क्या यहाँ से, या वहीं तक ही रहता है? ऊपर तो आता हुआ, ऊपर आता है और जब बाढ़ मोड़ आता है। अच्छा बाढ़ मोड़ जाता है। अच्छा, एक बारी बोटों की हालत देखो भाई, कितनी सारी बोट्स हैं, छतरी वाली है ना, छतरी वाली तो यहाँ एक भी नहीं दिख रही। भीड़ देखो, सुबह से आने ही भीड़ चालू हो चुकी है यहाँ पे। कहाँ जा रही हो? बोट करते हैं ना। आ जाओ, अभी हम आ गए हैं, बैठ जाओ मम्मी। हाँ बहुत ही बढ़िया। तो ये गाइस जोधा अकबर का किला है, जोधा अकबर रहते थे क्या इसमें? जी। अब कौन रहता है? अब इतने समय मैट्री वाले सैनिक लोग रहते हैं, जवान। अच्छा अच्छा, जवान रहते। वो वाला पेड़ जो नीचे तक फैला हुआ है, बीच में आ रहा है जो है। हाँ, तो वहाँ पे भगवान जी ने पिंड दान करा था, राम भगवान दशरथ जी को नाम किया।
वो वाला जो पेड़ है उस अच्छा, वाले राम भगवान ने दशरथ जी का पिंडदान किया था, पहला पिंडदान किए थे, दूसरा कासिम किए थे, अच्छा तीसरा गयम किए, चौथा बद्रीनाथ में किए। ओहो क्या बात। ये जो यमुना जी है ये ग्रीन कलर की है और गंगा जी का हल्का पीला जल दिखेगा, उसका करंट चलता हुआ पानी उधर दिखेगा। अच्छा अच्छा, तो ये दो कलर का पानी हमें संगम पे दिखेगा, संगम पे हमें बोट करके जाना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ से हमने करीब बोट। तो अपना सरस्वती वो यही है इलाहाबाद में। सरस्वती कहाँ पे? सरस्वती दोनों को बीच में लुप्त है। अच्छा लुप्त है बीच में, मतलब तीनों मिलकर, तब आपको काशी को गया है। अच्छा अच्छा, तो मम्मी डाल रही है, डालना जल्दी जल्दी आओ। अच्छा कहाँ से आते हैं पंछी ये बताते हैं लोग, साइबेरियन से आते हैं। साइबेरियन से, इनका नाम क्या है? ये साइबेरियन से जल कबूतर बोलते हैं, प्यार से इनको राम प्यारे बोला। अच्छा राम प्यारे जी। तो ये राम प्यारे आ गए, वाओ। कार्तिक महीना में, अच्छा आ गए तट पे जहाँ पे हो रहा है संगम है? नहाने को पैसे नहीं लगते, स्टैंड के जहाँ स्टैंड के 60 रुपए। हाँ तो ये जो स्टैंड है ये पार करके जाएंगे, इसके 60 रुपए ले रहा है बंदा। और इस साइड गहरा पानी, यमुना जी, ये यमुना जी वाली साइड है और वो गंगा जी वाली साइड है। तो चलते अपन नहाने, तो 40 रुपए इस बोट का किराया है। तो यहाँ भाई बहुत तगड़ा संगम हो रहा है, सारे नहा रहे हैं। तो वो एक्चुअली येलोइश पानी है और यहाँ पे ग्रीन पानी, और यहाँ पे दोनों का संगम हो रहा है। हम आ चुके हैं स्नान करने, तो भाई प्रेशर बहुत तेज है अभी, गंगा जी की तरह आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमें काफी पब्लिक आती है, तो अभी मैं जा रहा हूँ दूर पे तैर के आ रहा हूँ। खा रहे हैं पानी, दो दो कलर का कहाँ है भाई साहब? ये देखिए ना, पीला जल उसका है, काला इसका दिख रहा है। वो पीला जल गंगा जी का है, ये काला जल यमुना जी का, और काफी इसी तट पे दिख रहा है काला पीला, ये देखो पीला और काला। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे बोतल तैर रही है ऐसा कुछ आप ना फैला के जाएं, एकदम साफ सुथरा रखें। वैसे काफी हद तक ये नदी साफ होने लगी है, ये देखो कोई गंदगी नहीं है, कोई गंदगी, पूरा पानी साफ है। मोदी जी ने चलवाए पूल और ये सब है ना जो बेहतर आता है, ये देखो साफ दिख रहा होगा आपको बहता हुआ पानी में, और कैसे साफ करती है, वाओ। ये देखो ऐसे बटोर रही है ना, ये देखो पूरा मशीन में पानी पानी भर गया है, वो पूल ही पूल भर गया मशीन में। ये चीज़ मम्मी मेरे को बहुत अच्छी लगी यार। हाँ तो गाइस अभी हम अपने रिश्तेदारों के घर गए थे, तो 2 घंटे वहाँ में बिताए, और अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं हनुमान जी। यहाँ जो सबसे फेमस चीज़ है 2-3 वो आपको दिखा रहा हूँ, और आज की ट्रेन है तत्काल में चल रही है टिकट, बट हो जाएगी कंफर्म। तो भाई साहब मेरे को पिला देना आज पानी, यहाँ पे भाई इतनी गर्मी और इतनी लू चल रही है, गर्म गर्म दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे मम्मी। नहीं मेरी हालत ख़राब होगी, मेरे होठ सूख गए, पूरे 4 बॉटल पी चुका हूँ मैं सुबह से पानी। ये रहा जलजीरा ही पिला दो भाई साहब, 2 जलजीरा। तो मम्मी ने लिए केले वाली चिप्स, दो दे दे भाई। इमली डाली हुई भाई, मजा आ गया, जिन्हें पहली बार पिया हुआ था। तो भाई सारे मंदिर यहाँ पे बंद थे, 5 बजे खुलते हैं, तो 5 बजे तक क्या है मैं सो गया था, और मैं कैसी जगह सोया था वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी तो हमने ले लिए चुस्की, चुस्की यहाँ की बहुत फेमस है भाई साहब, बट यहाँ इतनी गंदी धूप है, इतनी राजस्थान की धूप को भी फेल कर रहा भाई साहब, मैं उबल चुका हूँ। तो यहाँ मैं सोया पेड़ के नीचे, सो रहा था आधे घंटे से, यहाँ भाई सो रहा था ना, यहाँ देखा था तुमने, यहाँ चादर ओढ़ के मम्मी वहाँ चली गई थी, वहाँ किसी बाबा जी का घर है, मोबाइल वोबाइल चार्ज करके लाई। तो अभी मैं आ गया हूँ लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में, तो इस मंदिर की बहुत मान्यता है, मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, अगर इलाहाबाद आओ तो यहाँ जरूर आना। टांग लो और बजाओ, है डॉलर के ले लेना, हाँ डॉलर ले लेके भागेगा, एक ले लो हमें डॉलर के लिए, तो डॉलर के लिए हम एक आइटम ले रहे हैं गिफ्ट, उसका रिएक्शन लेंगे घर जाके। चलो चप्पल तो मैंने उतार दी, तो आ जाओ प्रसाद ले लिया, मैंने ले लिया हनुमान जी का छोला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो छोला चढ़ाएंगे हनुमान जी को, आ जाओ।
तो ये है, जय हो भगवान जी। भाई मैं अंदर दर्शन करिए, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो प्रसाद देना जी, शुक्रिया। तो एक बार यहाँ देखो कितने श्रद्धालु हैं, लीन है पूरी भावनाओं में। सारे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, तो यहाँ सारे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और मैंने डिसाइड करा कि हम दोनों भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और हम हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको मिलते हैं ब्लॉग में, ठीक है भाई। सबसे मेन चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ की, हम ही दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, तो ये चल रही है आरती यहाँ की, कर लो हमें दर्शन कर लो, है ना, बढ़िया चीज है। भाई पूरी ट्रेन खाली हो गई, तू नहीं उठ रहा, मैं तीन बार जगा चुकी हूँ, देख पूरी ट्रेन खाली हो गई है, देख सारी ट्रेन खाली हो गई है, पर तू है ना जाग के राजी आ गया दिल्ली। हाँ बिल्कुल आ गया, हो गया सर। आ रहा भाई, आ रहा दोस्त। गाड़ी चलने वाली है? चलने वाली है, चलने वाली है कि खाली हो गई है? खाली हो गई है, चल जाएगी भी। अच्छा जी, नहीं है भाई, तुम्हारे सामने मैं इसको कब से जगा रही हूँ, कब से जगा रही, पर ये जाग के नहीं देता। तो कब से, तो सेकंड एसी में सो गए थे हम भाई। तो रात को आए तो हमें ये मिली शिव शक्ति एक्सप्रेस, तो अपन इसमें आ गए, शिव गंगा एक्सप्रेस, तो चलते हैं। तो ये ट्रेन है जिसमें हम आए थे, तो ट्रेन हमें मिली थी 12:30 बजे, और मैं जैसे ही बैठा ट्रेन में सो गया, और अभी हो रहा है 12:30, है ना, नहीं और अभी हो रहा है 8:30। हाँ यार बहुत तगड़ा ही सो रहा था। आप कितने बजे सोई? अब यहाँ और रुको, थोड़ा वेट और करो, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ थोड़ा। अभी हम आ गए हैं घर, और डॉलर के लिए मैंने सरप्राइज लिया है, और डॉलर देखो सरप्राइज के नाम से मुड़ के देख रहा हूँ, जस्ट पहले सो रहा था, मम्मी देख रहे हो कितना तेज है। अपने आप चल के लिया, और डॉलर के लिए मैं ये लाया था, के डॉलर, इसकी पूरी खत्म कर दी, चोची फाड़ दी इसने, ये तो मम्मी इसने पूरा चबा दिया, चबा दिया, मैं पूरा फुसफुस कर रहा था, ये देखो इसने तो पहली काट दी है, जानवर है। तो इसी के साथ ये वाला व्लॉग यही एंड करते हैं, हम बहुत ज्यादा थक गए, तो अब रेस्ट करने जा रहे हैं, तो कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं आपको। जिस रहे भी जो मेरे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर दो, और जितनी भी इलाहाबाद के नई ऑडियंस आई है देख रही है, तुम्हें तुम्हारी मम्मी का समय सब्सक्राइब करके जाओगे मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल का ऑप्शन जरूर दबा दो, उसके ऊपर नोटिफिकेशन जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं, तो मैं ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स लाता रहता हूँ, सब्सक्राइब कर लो।